Good morning, students. Today we are continue our chapter that is animal kingdom. और हम गॉर्डेटर्स के गॉर्डेट्स के बारे में आज हम गॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में. इससे पहले हम जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है वो सारे क्या थे? यूरो कॉर्डेट. ठीक है, वो सारे क्या थे? दोज ऑल आर दी यूरो कॉर्डेट्स. उनके मेन करेक्टरिस्टिक्स जैसे हम स्टार्टिंग से चलते गए और फिर एंड तक पहुँचे तो क्या होता गया, हमने देखा कि वो डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक बन रहे हैं. पहले वो ए सीलोमेट थे, मतलब उनमें सीलोम नहीं था. फिर वो धीरे धीरे एक हमने पढ़ा, फिर हमने सूडो सीलोम पढ़ा और सूडो सीलोम के बाद हम सीलोमेट्स पे आ गए. ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे. फिर हमने पढ़ा कि जो सेलुलर लेवल ऑर्गन सेलुलर लेवल सिस्टम से टिश्यू लेवल ऑर्गन टिश्यू टिश्यू सिस्टम आया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और फिर हमने पढ़ा ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल से अब हम कहाँ पे आ चुके हैं. अब हमने जो भी एनिमल्स पढ़े थे काफ़ी टाइम से, जो फाइलम हम पढ़ रहे थे, उन सब में क्या था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गन थे वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो ये जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये उनमें डेवलपमेंट होती जा रही है. ठीक है, तो अब हमारे पास है कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स की हमने कुछ खास बातें पढ़ी थी कि उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो डॉर्सो होलो वेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसके बाद डॉर्सो होलो नर्व कॉर्ड होती है उनमें. फिर उसके बाद उनमें क्या होता है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, दैट इज नोटोकॉर्ड एन, डी फॉर डॉर्सो होलो नर्व कॉर्ड, पी फॉर फेरिंजियल गिल स्लिट्स, एंड टी टी फॉर इज एन डी पी टी, एन डी पी टी इज फॉर पोस्ट एनाल टेल. उनमें क्या प्रेजेंट होती है? पोस्ट एनाल टेल, जिसके बेसिस पे हम उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉर्डेट्स. ठीक है, कॉर्डेट्स के तीन टाइप हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा. यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो सिर्फ लार्वा स्टेज होती है उसकी, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक पूरा परसिस्टेंट रहता है, प्रेजेंट होता है. वर्टिब्रेट में क्या होता है, वर्टिब्रा जो हमारा सब फाइलम रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो वर्टिब्रल जो वर्टि जो नोटोकॉर्ड बनी है वो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी. जैसे कि हमारे बैक पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम. अब हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा क्या होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इनकी नोटोकॉर्ड सिर्फ ओनली इन लार्वल टेल, लार्वा की जो टेल वाला जो पोर्शन होता है वहीं प्रेजेंट होती है. एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, जो हमारी इसमें क्या होता है, दे और नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, दैट इज नॉट थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, वो पूरी लाइफ प्रेजेंट नहीं रहती है, सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है. इनको हम मेनली ट्यूनिकेट्स बोलते हैं. ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट बॉडी होती है, जैसे कि द गर्ल जो गर्ल पहनते हैं, जैसे स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है छोटे बच्चों की भी अगर देखी हो आपने, या फ्रॉक टाइप में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये एक जैसे ये ड्रेस है, नीचे स्कर्ट होती है, ऊपर ट्यूनिक होती है. तो इस तरह की उनकी बॉडी होती है मेनली, जैसे कि और अच्छे से बनाते हैं एक मिनट ऐसे. नाउ दिस इज. ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होती है, ये ट्यूनिक होती है जो छोटे बच्चे गर्ल्स में पहनते हैं और नीचे शर्ट पहनते हैं और ऊपर ये पहनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक. तो इस तरह का हमारा यूरोकॉर्डेटा होता है. देखो ये रहा, इसी तरह का है, इसी तरह का है यूरोकॉर्डेटा भी, इस समथिंग सिमिलर लाइक दैट. तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स. ठीक है, एडल्ट जो हैं वो कवर्ड होते हैं सेलुलोज लाइक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से, कॉल्ड ट्यूनिक. जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो बॉडी का कवर होता है
वो सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जिसको हम कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक, क्योंकि उनका जो आउटर बॉडी कवर है, या जो उनके एक तरह से हम कह सकते हैं जो उनका आउटर बॉडी का कवर या कपड़े जो है वो कैसे बने हुए हैं, ट्यूनिक शेप के, ठीक है। मोस्टली सेसाइल, मेनली क्या होते हैं, दे आर सेसाइल, दे आर नॉट मोटाइल, वो एक ही जगह पर बंधे हुए होते हैं मरीन में और सी वाटर में। एडल्ट ओनली मेंटेन द गैप, जो मतलब जैसे कि ये जो कॉर्डेट्स वाले जो करेक्टरिस्टिक्स थे हमने पढ़ा था, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनाल टेल, ये सब इस वाले में कहाँ होते हैं, यूरोकॉर्डेट में, सिर्फ लार्वा में होते हैं, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी लार्वा में, सारी चीज होती हैं जो भी वर्टिब्रेट्स में होते हैं, सॉरी कॉर्डेट्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एडल्ट बनता है, लार्वा से एडल्ट की तरफ जाता है, तो सिर्फ इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स रह जाते हैं और सब खत्म हो जाते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडल्ट में क्या परसिस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू दी कॉर्डेट्स, तो क्या परसिस्टेंट रहता है, सिर्फ फेरेंजियल गिल स्लिट्स परसिस्टेंट रहती हैं और सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं जैसे जैसे वो लार्वा से एडल्ट की तरफ जाता है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होनी शुरू हो जाती हैं। हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब हो गया कि जो इसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, कि जो अडल्ट है उसके कैरेक्टर, जो लार्वा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वर्टिब्रा जैसे हैं, क्योंकि उसमें तो देखो भाई जैसे हमारे अंदर नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, पोस्ट एनाल टेल है, उसमें तो सब कुछ प्रेजेंट था। लार्वा तो मतलब फुल डेवलप्ड एक ऑर्गेनिज्म की तरह शो कर रहा था, मतलब हायर हायर फाइलम, हायर जो सब फाइलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था। लेकिन जब वो जो एडल्ट है वो क्या दिखा रहा था, एडल्ट दिखा रहा था कम कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा था हायर फाइलम के, ठीक है, वो लोअर फाइलम वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द रिवर्स डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा टू एडल्ट, ठीक है। द व्हेन द लार्वा इज मोर एडवांस, आप ये लिख लीजिए, शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का क्या डेफिनेशन है, राइट डाउन, इट इज दैट इज व्हेन द लार्वा इज मोर एडवांस देन देयर एडल्ट इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। व्हेन द लार्वल स्टेज इज मोर एडवांस देन द एडल्ट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल इसके एसीडिया, सेल्पा और डॉलिलियम है। फिर ये आते हैं हमारे पास ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स में क्या है, ये एक एक तो होता है इनकरेंट साइफन, इसके जो ये एंट्री है जहाँ से ये वाटर एंटर करता है इसको हम बोलते हैं साइफन। इन ये जो दो पोर्शन है ना इसके यहाँ पे, ये जैसे होल लाइक पोर्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साइफन, ठीक है। एक तो होता है इनकरेंट, मतलब अंदर ले जाने के लिए होता है एक तो, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगा, और ये है एक्सकरेंट, मतलब यहाँ से कुछ भी जो वेस्ट है, मटेरियल है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है, देखो इस तरह से कट टाइप में, इस तरह से फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और ये इसकी आउटर बॉडी है, ये इसकी आउटर बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स, ठीक है, ट्यूनिकेट, हेलोसाइंथिया, वट एवर वी कैन कॉल इट इज। अब आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड करती है, हेड से लेके टेल तक, ठीक है। और ये देखो ये कैसे एक मतलब जैसे बहुत तेज धार चाकू या फिर डॉक्टर वगैरह जो यूज़ करते हैं ब्लेड्स, वो सर्जरी वगैरह में उस टाइप के ये देखने में हमें लगते हैं, ठीक है। और इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेके, इनके हेड से लेके और टेल तक प्रेजेंट रहती है, और थ्रू आउट द लाइफ, मतलब इनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ इनके बॉडी में प्रेजेंट रहती है। एक्सक्लूसिवली मेरीन ही होते हैं, मतलब मेरीन में ही मिलते हैं ये। फिश लाइक होते हैं, मतलब फिश की तरह मूवमेंट वगैरह करते हैं। नो डेफिनेट सिलोम, सिलोम कोई प्रॉपर डिफाइंड नहीं होता है। सेक्स सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, डायोशियस। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, ठीक है, जिसको हम एम्फियोक्सिस और लेंसलेट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है द वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक
ठीक है, तो ये हमारा ब्रेंकियोस्टोमा है, दैट इज द सिफेलो कॉर्डेट। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ये गिल्स प्रेजेंट है, ये इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो हेड से लेके टेल तक है, यहाँ इसकी नर्व कॉर्ड भी, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ कोडाल फिन, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पोस्ट नाल टेल का रीजन है, ठीक है। गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, चेक एवरीथिंग इज प्रेजेंट। यहाँ पर ये इसकी इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर इसके ये गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के पास। ये इसकी फिन रेस है जो इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, थीके? जो क्या करती हैं, इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। इसके पास लीवर भी होता है, ठीक है, और इसके पास एनस भी, और ये इसकी कोडाल फिन, मतलब जो टेल फिन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कोडाल फिन भी प्रेजेंट होती है। जैसे फिश में, फिश के पीछे आप सबने देखा होगा इस तरह से, इस फिन को हम क्या बोलते हैं, फिश की, जब आप फिश का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम देखेंगे, तो ये वाली जो फिश की ये वाला फिन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडाल फिन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या प्रेजेंट है, कोडाल फिन। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की या कुछ नहीं है, सिंपल आपकी इसकी बातें हैं जो आपको समझनी है। अब आता है वर्टिब्रा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, पर वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, मतलब जब डेवलपमेंट हो रही होती है वर्टिब्रेट्स की, उस टाइम पे ही वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगॉट, ठीक है। वो जाइगॉट से धीरे धीरे बहुत सारे सेल इकट्ठे बनते हैं, जब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो उसमें हम और या फिर डेवलपमेंट देखेंगे हम, एनाटॉमी वगैरह उसमें हम देखेंगे। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है, जैसे कि पहले क्या कहते हैं, एग की और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बन गया, जाइगॉट, एक जाइगॉट बन गया, और फिर इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई, एक जाइगॉट, फिर उससे बहुत सारे सेल बन गए। तो ये क्या है, ये है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये क्या बनना शुरू हो गया, एम्ब्रियो। फिर इसमें धीरे धीरे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, बॉडी के पार्ट, जैसे कि एक जो छोटा बेबी होता है, वो 9 9 मंथ उसको मदर नरिश करती है, ठीक है, 9 मंथ उसको मदर नरिश करती है, तो उस टाइम पे उसकी क्या हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो से फीटस बनता है। तो जब उसकी जो एम्ब्रियो वाला पीरियड होता है, तो वो कैसा दिखता है, इस तरह से, किस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है। जब हमारा एम्ब्रियोनिक वाला पीरियड होता है कि मतलब अबाउट 6 और 7 वीक और अबाउट 2 मंथ, तो हम इस तरह से एम्ब्रियो में इस तरह से होते हैं, जिसमें हमारी नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनाल टेल भी प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो के और आगे एडवांस होती जाती हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है मंथ टू मंथ, ठीक है। फिर नोटोकॉर्ड धीरे धीरे क्या होती है, रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी, बोनी वर्टिब्रल कॉलम से आ जाती है। कार्टिलेजिनियस मतलब कुछ फिशेस जो होती हैं उनमें ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर दिखाता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बोन के बजाय, जैसे हमारे में कैसी है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम है। तो जो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कॉर्डेट्स हैं, सब कॉर्डेट्स हैं, क्यों, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उनमें टेल पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट है, और उनमें क्या प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल्स। लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अभी हमने देखा पहले कि यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट, दे आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेट अब हम पढ़ेंगे, दैट इज अ सब फाइलम। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। स्किन कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव स्केलेटन, स्किन एक प्रोटेक्टिव स्केलेटन मतलब एक बोनी, उसमें अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो सब में क्या होता है, अंदर एक ढांचा होता है बोन्स का, ठीक है। एंड कॉम्प्रोमाइजिंग स्केल, बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं सबकी बॉडी पे, जो स्किन है फैदर से ढकी होती है, या तो फिर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं सबकी बॉडी पे, क्लॉज होते हैं, या फिर नेल्स होते हैं, जैसे हमारे नेल्स हैं, हॉर्न्स, सींग, सींग भी होते हैं, ठीक है, क्लॉज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किसके? वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3, 4 चैम्बर। ठीक है, जब हम अलग अलग क्लासेस देखेंगे इसकी, तो हम उसमें देखेंगे कि किसमें 2, 3, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। वैसे सबके हार्ट क्या होते हैं, फ्रंट साइड पे, जैसे हमारा का है चेस्ट फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड बोलते हैं उसको। ठीक है, कहाँ पे होता है? जब आप पीछे थे, जब हम पीछे वाले फाइलम कर रहे थे, वहां पे हमने क्या देखा था, डॉर्सल डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट था। कैसा हार्ट था? डॉर्सल हार्ट। और अब क्या आ गया है, वेंट्रल हार्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, हार्ट पीछे चला जाएगा, मतलब डॉर्सल वाले साइड पे लोकेट होगा। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, मतलब आगे वाले फाइलम पे चलते जाएंगे, वहां क्या होगा, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो वेंट्रल आगे की तरफ लोकेटेड होगा। किडनी एक्सक्रीशन का, किडनी वेल डेवलप होती है इन ऑर्गेनिज्म में और एक्सक्रीशन का काम करती है, और ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हमारी बॉडी में सॉल्ट बैलेंस करती है। पेयर्ड अपेंडेज विद मे बी फिन्स और लिम्प्स। पेयर्ड मतलब जोड़ जोड़े में होते हैं, जैसे कि फिश में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, लिम्प्स मतलब हाथ पैर, वो कैसे होते हैं, मतलब एक एक पैर या एक हाथ तो नहीं होगा, बॉडी बैलेंस रखने के लिए क्या होते हैं, पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वन बाय वन वी विल गो फॉर इट्स क्लास। ठीक है, ये हमने देख ही लिया डायग्राम कि ये जो है ये कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये गॉर्डेटा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रे में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम, और धीरे धीरे नर्व डॉर्सल हॉल और नर्व कॉर्ड वो सब क्या बन जाते हैं, ब्रेन वगैरह में डेवलप हो जाते हैं। तो ये इसके सब डिविजन्स हैं, जैसे कि वर्टिब्रेटा के डिविजन्स हैं एगेंथा एंड गेंथोस्टोमेटा। ठीक है, गेंथोस्टोमेटा, एगेंथा में जॉ वाला जो पोर्शन है वो नहीं होता है, गेंथोस्टोमेटा में जॉ होते हैं। ठीक है, इसकी क्लास एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा एगेंथा की। गेंथोस्टोमेटा की सुपर क्लासेस हैं पाइसिस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, पीसिस जिसमें फिन्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में फिन्स होते हैं उनको हम पाइसिस बोलते हैं, और टेट्रापोडा जिनमें सिर्फ लिम्स होती हैं, मतलब हाथ पैर होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी आती है, कॉन्ट्रिथाइस एंड ऑस्टिच थाइस। तो कॉन्ट्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस मेनली फिश वाला पोर्शन आ जाता है, तो इसलिए उनको वो किस फिशेस को हम पाइसिस भी कह देते हैं, मतलब इन जनरल। ठीक है, टेट्रापोडा वाली जो सुपर क्लास है उसमें एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया मतलब जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल, एव्स बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स, मैमल्स में क्या आते हैं, ऑल दी एनिमल्स, मेनली जनरल एनिमल्स, काउ, बफलो, ह्यूमन बींग, बैट, ये सब किस में आते हैं, मैमल्स में। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इनको फिर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल अबाउट इट इज। ठीक है, देन थैंक यू।